आमीन मोटरवे ज्यादती केस में एक और अहम पेशरफ्त, एक और मुलजिम अब्बास ने पुलिस को गिरफ्तारी दी। मुलजिम अब्बास की गुज़िश्ता रोज ज़ेर हिरासत मुलजिम वक़ारुल हसन ने निशानदही की थी। मरकजी मुलजिम आबिद अली अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। अब्बास ज्यादती केस में मरकजी मुलजिम आबिद अली के साथ राब्ते में था। पुलिस पहले ही अब्बास के दो भाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है। मज़ीद जानेंगे ज़ैन नकवी से। ज़ैन बताएगा, एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। जी बिल्कुल, एक और अहम पेशरफ्त है गुजरपुरा मोटरवे केस में कि जो मरकजी मुलजिम का साथी वकारुल हसन, जिसने कल सीआईए मॉडल टाउन में गिरफ्तारी दी थी और उसका ये कहना था कि उसकी जो सिम जियो फेंसिंग में सामने आई है वो सिम उसके बरादर निस्बती अब्बास के पास। इसके बाद कल से हमने देखा कि पुलिस की जानिब से जो है वो अब्बास को ढूंढने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई, तो सर्च ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन एक बार फिर पुलिस के सर्च ऑपरेशन पे जो है वो सवालिया निशान खड़ा हो गया कि एक बार फिर जो मुलजिम अब्बास, जिसको गुज़श्ता रोज से ढूंढा जा रहा था गिरफ्तारी के लिए, वो गिरफ्तार नहीं हो सका, बल्कि उसने शेखपुरा में खुद ही गिरफ्तारी दे दी है। और मुलजिम जो है वो क्योंकि वकारुल हसन ने बकायदे तौर पर कहा था कि ये जो सिम है वो उसके जरिए इस्तेमाल थी, और पुलिस ने भी उसी सिम के बिना पर जो है जियो फेंसिंग के दौरान वकारुल हसन को गिरफ्तार किया था। पुलिस का ये कहना है कि जो अब्बास है, जो वकारुल हसन का बरादर निस्बती है, वो इस वक्त हिरासत में है, जबकि पुलिस का ये भी कहना है कि अब्बास जो है वो मरकजी मुलजिम आबिद अली के साथ राबते में था। इस वक्त जो मरकजी जो वकारुल हसन का ब्रादर निस्बती अब्बास है वो पुलिस की हिरासत में है, जबकि इससे कबल हमने देखा कल जब वकारुल हसन ने बकायदा तौर पे बताया कि उसकी जो सिम है वो उसके ब्रादर निस्बती के नाम है, तो कल जो है वो अब्बास के दो भाई बूटा और सलामत को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। आज जो है वो बरादर निस्बती अब्बास ने खुद शेखुपुरा में गिरफ्तारी दे दी है, जबकि दूसरी जानिब मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। 28 टीमें जो हैं पुलिस की वो तश्कील दी गई हैं जो मरकजी मुलजिम की तलाश कर रही हैं, जबकि आज जो अहम पेशरफ्त एक और हुई कि मुलजिम वकारुल हसन जो इस वक्त सीआईए की तहवील में है, उसने एक और किरदार का नाम ले दिया जिसका नाम शफकत बताया जा रहा है, जो बहावल नगर का रिहायशी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें हैं वो बहावल नगर और लाहौर में जो है वो गश्त कर रही हैं, छापे मार रही हैं, लेकिन अब देखना ये है कि क्या शफकत को पुलिस गिरफ्तार कर सकेगी सर्च ऑपरेशन में, या शफकत भी इन्हीं दो मुलजिमान की तरह खुद ही आके जो है वो थाने में गिरफ्तारी देगा। तो पुलिस की कारकर्दगी पे एक बार फिर सवालिया निशान लग गया है कि बरादर निस्बत, जिसको कल से पुलिस तलाश कर रही थी, सर्च ऑपरेशन कर रही थी, छापे मारे जा रहे थे, वो गिरफ्तार नहीं हुआ और वो खुद ही आज शेखुपुरा थाने में पेश हो गया और उसने वहां से अपनी गिरफ्तारी दे दी है। जी सही, बहुत शुक्रिया ज़ैन नकवी अपडेट करने के लिए। मोटरवे ज्यादती केस पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की जानिब से बनाए गए तमाम तहकीकाती टीमें नाकाम नजर आ रही हैं। मोटरवे ज्यादती केस के किरदार खुद गिरफ्तारियां देने लगे हैं। मोटरवे ज्यादती केस के नामजद मुलजिमान वक़ार ने खुद गिरफ्तारी पेश की। वक़ार हसन के बहनोई अब्बास ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस टीमें केस के मरकजी मुलजिम आबिद को गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम है। लाहौर हाईकोर्ट ने ज्यादती केस में सीसीपीओ लाहौर उमर शेख और मोटरवे वाकये की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का नोटिफिकेशन तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सीसीपीओ के बयान पर काबीना को माफी मांगनी चाहिए थी। मोटरवे ज्यादती केस में मुतासरा खातून से मुतालिक मुतनाज़े बयान पर सीसीपीओ लाहौर को बरतरफ करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई, तो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने पंजाब हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि काबीना सीसीपीओ के बयान माफ़ी मांगती तो कौम की बच्चियों का हौसला होता, लेकिन पंजाब हुकूमत के वुजरा सीसीपीओ को बचाने में लग गए, लगता है सीसीपीओ लाहौर के वुजरा का अफसर है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इतना बड़ा वाकया हो गया लेकिन हुकूमत कमेटी खेल रही है। और मुशीर मौके पर जाकर तस्वीर बनवा रहे हैं। उन्होंने इस्तफसार कि वजीर कानून का क्या काम है तफ्तीश करना, वजीर कानून को क्या तफ्तीश का तजुर्बा है, वजीर कानून किस हैसियत से कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। आईजी पंजाब सीसीपीओ लाहौर की तकरीरियों के खिलाफ दरख्वास्त काबिले समाअत करार, अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कलदम करार दिया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल बताइएगा।
आई जी पंजाब CCPO लाहौर की तकरीरियों के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ कालेदम करार दे दिया। आई जी पंजाब को अहदे से हटाने के खिलाफ केस की समाअत। सिविल सर्विस के अलावा कोई मुतासरा फरीक भी हो सकता है। अदालत के मुताबिक किस तरह तबादले से शहरी का बुनियादी हक मुतासर होता है, चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया। अगर ऐसा मुमकिन न हुआ तो रूल ऑफ लॉ कानून नहीं रहता। मजीद जानेंगे जलाल हैदर से। जी जलाल बताइएगा। जी जस्टिस कासिम खान ने IG पंजाब और CCPO लाहौर की तकरीरों के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी है। अदालत ने IG पंजाब और CCPO लाहौर की तकरीरों के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का जो एतराज था उसको कलदम करार देते हुए समाअत के लिए करार दे दिया है। दूसरी जानब IG पंजाब को हटाने के खिलाफ जो केस की समाअत है हुई और उसमें चीफ जस्टिस ने मोहम्मद अहमद खान की दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत का कहना था कि सवाल यह है कि सिविल सर्विस के अलावा कोई मुतासर फरीक भी हो सकता है, किस तरह तबादले से शहरी का बुनियादी हक भी मुतासर हो रहा है। मलिक अहमद अवान ने मौके पर तैयार किया कि अदालत के सामने मुख्तलिफ पोजीशन वो पहले भी पेश होते रहे हैं, उनके ना हो तो रूल ऑफ लॉ कानून नहीं रहता। जी सही, बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर।